अफनान शाह नहीं आया था तुम्हारे ऑफिस? सब खैरियत? आप डैड देखिए ना, मेरी भी मेमोरी को क्या हो गया, आपको बताना ही मुझे। मैं ऑफिस पहुंचा तो क्या देखा कि सामने शानी खड़ा है, वो एक लड़का काम करता है, उसका दोस्त निकला है। अब अच्छा नहीं लगता ना, मैं उसको अवॉइड करता, तो मैंने उसे इनवाइट कर लिया अपने ऑफिस में ही, चाय वगैरह ऑफर की, थोड़ी देर बैठा, चाय पी और चला गया। वो अच्छा किया तुमने, और अवॉइड क्यों करना भाई, ऐसे मिले बगैर तुमसे चला जाता तो मुनासिब नहीं लगना था। दामाद को इज्जत दी जाए तो ससुराल में बेटी की इज्जत होती है। भाईजान आपने तो शादी को अपना दामाद ही बना लिया है, बेटी है नहीं आपकी और दामाद के नखरे उठा रहे हैं। अश्विन तुम भी कभी कभी अजीब सी बात कर देती हो। बेटियां तो सबकी साझी होती हैं। जिसको अल्लाह ने बेटी की रहमत से नहीं नवाजा, उसके लिए बाकियों की बेटियां भी तो उतनी ही काबिल एहतराम और मोहब्बत के लायक हैं। ये बहुत नसीबों वाले होते हैं, भाग वाले होते हैं जो बच्चियों के लाड़ उठाते हैं। अब देख लो, मेरी बेटी नहीं है लेकिन अल्लाह पाक ने कैसे मुझे एक बेटी के लाड़ उठाने का मौका दिया। मुझे और क्या चाहिए? हाँ जी, ठीक कह रहे हैं। अब देखो ना, मैंने भी एक मामू होते हुए एक बाप की तरह अलीजी बेटी के लाड़ उठाए। वैसे ये बात तो मैं मानती हूँ कि आप सारी बेटियों को बहुत इज्जत और बहुत मोहब्बत देते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अलीजे भी खाई नहीं, मेरी खाने पे भी नहीं आई, सब खैरियत? जी वो जरा तबीयत ठीक नहीं थी तो सो गई है। अल्लाह खैर।